हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज आप शुरू करन जा रहे हैं छेवीं क्लास की पंजाबी की पाठपुस्तक। छेवीं क्लास की पाठपुस्तक शुरू करन तो पहला आप वर्णमाला, पंजाबी की जिहड़ी वर्णमाला है वो वेखांगे। वो थोड़ू तुसी वो अपने पंजाबी की नोटबुक ते शुरू वाले पेज से पहला एक दो पेज खाली छड़ देने उत्ते आप वर्णमाला, मुहारनी, पंजाबी स्वर ते इन्हां ते आपां चर्चा करांगे ते उन्हां लिखांगे। जिवें थोड़ी स्क्रीन ते पहला जिवें वर्णमाला लिखी हुई है, इस वर्णमाला नूं इसे तरह ही तुसीं अपनी नोटबुक दे विच नोट करना है। मैं उच्चारण कर दिंदा हाँ, फिर तुसीं इहनूं नाल दी नाल नोट कर लेना। उड़ा, एड़ा, ईड़ी, ससा, हाहा, कक्का, खखा, गग्गा, कग्गा, अड़ाड़ा, चच्चा, छच्छा, जज्जा, चज्जा, अणैया, टैंका, ठठा, डड्डा, टड्डा, अणाणा, तत्ता, थत्था, दद्दा, तद्दा, नन्ना, पप्पा, फफा, बब्बा, पब्बा, मम्मा, यय्या, रारा, लल्ला, वावा, अड़ाड़ा। जिवें शशे पैर बिंदी शै, खखे पैर बिंदी, गग्गे पैर बिंदी, जज्जे पैर बिंदी, फफे पैर बिंदी ते लल्ले पैर बिंदी। इन्हां अक्खरां नूं तुसीं ऐसे तरह लिखना है। जदों एक लाइन जिवें अपनी पहली उड़े आड़े दी लाइन है, उड़े तो लैके हाहा तक एक लाइन च उड़ा, हेठली लाइन च उहनूं हिंदी च किवें उच्चारण लिखिया, फिर एक लाइन खाली छड़ के लिखनी, खाली छड़ देनी है, फिर अगली लाइन च लिखना कक्के वाली। भाव जदों उड़ा पंजाबी दा ते उहदा उच्चारण हिंदी च लिखिया, इहदों ने लिख के एक लाइन दा गैप दे के लिखना है। ये सी अपनी वर्णमाला 35 अक्खर, इहनूं तुसीं सारों पहला नोट करना है। इस तों बाद एक दो पेज छड़ देने हैं, फिर आपां शुरू करना है तुसीं तुहाडी पाठ पुस्तक दा पहला पाठ, सवेर दी सभा। एक कविता है, सुनना है तुसीं, ये सार लिखना नहीं, सार सिर्फ सुनने वास्ते है। लिखांगे आपां प्रसंग सहित व्याख्या ते प्रश्न उत्तर। सवेर दी सभा, लेखक सुखवीर सिंह खुरमणिया। सार है, इस कविता विच कवि स्कूलां विच होण वाली सवेर दी सभा दी महत्ता दसदियां होया लिखदा है कि सवेर दी सभा विद्यार्थियों नूं चंगे कर्मां लई प्रेरदी है। सवेर दी सभा विच जदों बच्चे कतारां बन के एक दूजे पिछे खड़े हुंदे हन ते अपनियां थां तों हिलदे नहीं, इस तों उन्हां नूं अनुशासन विच रहण दी प्रेरणा मिलदी है। देश भगती दे गीत गा के ते भारत मां दी जय बोल के उन्हां दे अंदर देश भगती दी भावना विकसित हुंदी है। अध्यापक बच्चियां नूं त्यौहारां बारे जानकारी दिंदे हन, जिस नाल उन्हां नूं देश दे वन सुवन सुवन्ने त्यौहारां बारे जानकारी मिलदी है। इस नाल बच्चियां अंदर एकता दी भावना विकसित हुंदी है। उस समय तेर मेर दी भावना खत्म हो जाती है जदों अध्यापक अपने उच्च विचार बच्चियां नाल सांझे करदे हन। सवेर दी सभा सानू चंगा इंसान बनन लई प्रेरदी है।
सवेर दी सभा विच खड़े विद्यार्थी इस तरह लगते हैं जिमें क्यारियां विच फुल खिड़े होन। बच्चियां नूं माँ प्यो बड़े चावां ते रीझां नाल तैयार करके घरों स्कूल लई भेजदे हन, जो उन्हां बच्चियां ते तां जो उन्हां दे बच्चे चंगे इंसान बनन। विद्यार्थी हर पासे ज्ञान दा चानण, जिहड़ी विद्या है वह हर पासे ज्ञान दा चानण खिलारदी है। इस तरह सवेर दी सभा बच्चियां नूं बच्चियां चंगे बच्चे बनन लई प्रेरदी है। ये सी अपना पाठ दा सार, ये सिर्फ तुसी सुनना है, लिखना नहीं। हुण इत्थों लिखना शुरू करांगे आपां। जिवें तुसी लिखोगे, सभा ए सवेर दी, सभा ए सवेर दी, चंगे बच्चे बनन लई सानू ए प्रेरदी। ये चार जिहड़ियां तुकां तुसी लिखणियां हन। फिर जिवें आपां हैडिंग लावांगे प्रसंग, प्रसंग भी लिखना है। ये काव्य सत्रां साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक चार भाषा किहड़ी है दूजी विच दर्ज पाठ सवेर दी सभा कविता विच्चों लईयां गईयां हन। इस कविता विच सुखवीर सिंह खुरमणिया ने स्कूल विच हो रही सवेर दी सभा बारे वर्णन किया है। ये सी अपना इहदा प्रसंग, इहनूं तुसीं लिखना है। अपना ऊड़ा लिखे जिथों शुरू होता है, सभा है सवेर दी, तो शुरू करना लिखना। फिर आप हैडिंग लावांगे व्याख्या, भी जिहड़ियां चार लाइनां आपां पढ़ियां, सभा है सवेर दी, सभा है सवेर दी, चंगे बच्चे बनन लई सानू है प्रेरदी, इहदा की भाव है। तो इहदा भाव है भी इन्हां सत्रां विच कवि कहिंदा है कि स्कूल विच जिहड़ी सवेरे दे समय सभा हुंदी है ना, प्रार्थना हुंदी है, वो बच्चियां नूं चंगे इंसान बनन लई प्रेरणा दिंदी है। बच्चियां दे विच वो चंगे गुणां दा वाधा करदी है, चंगे गुण पैदा करदी है सवेर दी जिहड़ी सभा है। ये सी अपनी पहली व्याख्या। दूजी व्याख्या है जी अपनी, कतारां बन पहलां एक दूजे पिछे खड़ी दा, देश दे प्यार वाला गीत फिर पढ़ी दा, भारत माँ दी जय बोल मूँह करींदे, सभा ए सवेर दी, सभा ए सवेर दी। प्रसंग उस तरह लिखना है। ये काव्य सत्रां साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक दूजी भाषा विच दर्ज पाठ सवेर दी सभा कविता विचों लईयां गईयां हन। इस कविता विच जिहड़े कवि है सुखवीर सिंह खुरमणिया ने स्कूल विच हो रहे सवेर दी सभा प्रार्थना कह लो बारे वर्णन किया है। तो हुण आपां जिन्नियां व्याख्यावां करांगे उन्हां सारयां दा प्रसंग एक आऊगा। ये तुसीं इहनूं पहली व्याख्या ते भी लिख सकदे हो, जिन्नियां व्याख्यावां उन्हां नाल भी लिख लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तुहानूं याद होजूगा। तो एक लिखण दा तरीका, लिखण दा तरीका की है कि ये काव्य सत्रां साडी पंजाबी पाठ पुस्तक भाग चार भाषा दूजी विच दर्ज पाठ, इत्थों तक तो सेम रहेगा। हुण जिहड़ी अपनी कविता आऊगी, जिवें आ सवेर दी सभा है, आपां इत्थे सवेर दी सभा लिखता, होर कविता आऊगी तां होर लिखिया जाऊगा, अगे दा मैटर है वह बदल जाता है। तो हुण आपां देखते हाँ इहदी व्याख्या। इन्हां सत्रां विच कवि स्कूल विच हो रही प्रार्थना सभा दा बयान करदे हुए कहिंदा है कि बच्चे लाइनां बना के एक दूजे पिछे खड़े हो जाते हैं। भी जदों हुण आपां देखते हैं स्कूल दे विच प्रार्थना हुंदी है तां बच्चे लाइन बना के एक दूजे दे मगर खड़ जाते हैं। फिर देश भगती दे गीत गाउंदे है ते भारत माता दी जय जयकार दे करदे हन। इह सभा बच्चियां नूं चंगे इंसान बनाउण दी प्रेरणा दिंदी है। हुण है अपनी तीजी व्याख्या। अध्यापक सानू दिनां ते त्यौहारां बारे दस दे, सच्चे सुच्चे उच्चियां विचारां बारे दस दे,
कहिंदे कड्डो दिलां विच्चों गल तेर मेर दी, सभाए सवेर दी सभाए।